हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को ऑनलाइन हेल्थ आईडी कार्ड बनाने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अगर आप अपना हेल्थ आईडी कार्ड ऑनलाइन बनाने चाहते हैं तो ये वीडियो पहले से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के लिए पहले आपको आपका मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे कहीं भी अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करें। हम गूगल ओपन करते हैं, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करें, यहाँ पे सर्च करें healthid.nhdhm.gov.in। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले हेल्थ आईडी है, वहाँ पे क्लिक करें। हेल्थ आईडी पे क्लिक करने के बाद हेल्थ आईडी का एक पेज ओपन हो जाएगा। हेल्थ का एक पेज ओपन हो गया है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का यहाँ एक पेज ओपन हो गया है, देखिए। ठीक है, नीचे देखिए क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ, वहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, जनरेट वीआ आधार, जनरेट वीआ ड्राइविंग लाइसेंस, और नीचे हैं आई डोंट हैव एनी आईडी, आई डोंट वांट टू यूज माई आईडीज फॉर क्रिएटिंग हेल्थ आईडी। अगर आप आईडी मतलब आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देकर जो हेल्थ आईडी कार्ड है वो जनरेट करना चाहते हैं तो ऊपर दोनों से दोनों ऑप्शन एक में कर सकते हैं। अगर आप कोई भी आईडी कार्ड नहीं देना चाहते तो नीचे क्लिक हेयर है, वहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। तो हम पहले दिखाते हैं आपको कैसे आधार कार्ड से आप अपना हेल्थ आईडी कार्ड बनाएं, ठीक है। तो जनरेट भी आधार है, ऊपर पे क्लिक करें, ऊपर पहले में यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालें, आधार नंबर डालें। आधार नंबर डालने के बाद नीचे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन है, आई एग्री करें, आई एम नॉट अबाउट, ये दोनों क्लिक करने का क्लिक करें। उसके बाद नीचे सबमिट है, सबमिट पे क्लिक करें। आधार कार्ड आपका जिस नंबर पे लिंक किया हुआ है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ डालना है। ओटीपी डालने के बाद नीचे सबमिट है, सबमिट पे क्लिक करें। यहाँ पे अपना कोई भी मोबाइल नंबर डालें। नीचे सबमिट है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। इस नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा, यहाँ पे फिर से ओटीपी डालें। नीचे सबमिट है, सबमिट पे फिर से क्लिक करें। यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया है, यहाँ पे अपना आपका पूरा प्रोफाइल दिखाएगा, आपका नेम, आपका फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा PHR एड्रेस है, यहाँ पे अपना हेल्थ आईडी देना है कुछ भी, ठीक है। जैसे UPI आईडी बनाता है ऐसे सोच लीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, आपका नाम दे दे, उसके बाद कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे है ईमेल, अपना अगर ईमेल आईडी है, आपका ईमेल आईडी है तो यहाँ ईमेल आईडी डाले, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्लैंक रख दे, ठीक है। यहाँ आपका जो एड्रेस हो ऑलरेडी फिल हो चुका है, अगर आप आधार कार्ड या पैन किसी आईडी से कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ उसके बाद नीचे देखना है सबमिट है, सबमिट पर फिर से क्लिक करें। सबमिट करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ आपका फोटो रहेगा, आपका नाम रहेगा, यहाँ देखिए आपका पूरा आईडी कार्ड जनरेट हो गया है, ठीक है। ये आपका हेल्थ आईडी कार्ड है, देखें आपका नाम यहाँ रहेगा, यहाँ आपका PHR एड्रेस रहेगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ जेंडर रहेगा, और आपका यहाँ मोबाइल नंबर रहेगा। डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ डाउनलोड क्लिक कर, यहाँ आप मेरा डाउनलोड हो गया, ठीक है। ऊपर देखें यहाँ आपका माई अकाउंट है, माई अकाउंट में क्लिक करें, माई अकाउंट क्लिक करके यहाँ पर अपना प्रोफाइल, अपना पासवर्ड और सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप KYC यहाँ से आप फिर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं आपका आईडी कार्ड। यहाँ माई बेनिफिट पर क्लिक करें, यहाँ आप सरकार से जो भी बेनिफिट मिलेगा यहाँ आपको देखाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों का हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।